नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत आज की 9 बड़े खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, देश से लंदन भागी विजय माल्या ने दावा किया है कि देश छोड़ने से पहले सेटलमेंट के लिए उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। इस पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया भी आई है, दिखाएंगे आपको आगे। उधर एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद सरकार की ओर से मेहुल चोकसी को लेकर कहा गया है कि खूनी कभी नहीं कहता कि उसने खून किया है। पूरी खबर आपको देंगे विस्तार से। उधर गिरता रुपया और तेल को लेकर हरकत में आई सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर शनिवार को बुलाई है बड़ी बैठक। शनिवार को इस पूरे मामले में बड़ी बैठक होगी। खुदरा महंगाई दर 11 महीने में सबसे कम हो गई है। जुलाई के 4.17% से घटकर अगस्त में 3.69% हो गई है। आम आदमी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गैर इरादतन हत्या के मामले की फाइल अब दोबारा खोली जाएगी। और अब अगली तस्वीर हार्दिक पटेल की, जिन्होंने 18 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। अनशन टूट गया लेकिन सरकार ने इस दौरान हार्दिक से कोई बातचीत नहीं की है। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी तेलंगाना की सियासत अब साथ साथ करेंगे। सीएम चंद्रशेखर राव ने विधानसभा हाल ही में भंग कर दी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं यहां पर। राफेल डील पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है लेकिन वायुसेना ने डील का समर्थन कर दिया है। वायुसेना चीफ बीएस धनोआ ने राफेल को जरूरी बताते हुए इसे देश की हवाई सीमाओं के लिए काफी ज्यादा अहम करार दिया है। उधर सरदार सिंह ने एशियाड में ब्रॉन्ज के बाद हॉकी से संन्यास ले लिया है। 32 साल के सरदार सिंह ने 350 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की नुमाइंदगी की। वो 2008 से 2016 तक भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। तो ये 9 खबरें हमने आप तक पहुंचाई, आज की सबसे अहम खबर। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। विजय माल्या ने किया है सनसनीखेज खुलासा और यही है आज की सबसे बड़ी खबर भी। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हुए विजय माल्या ने आज सनसनीखेज दावा किया कि वो भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। प्रत्यर्पण की सुनवाई के दौरान वेस्टमिंस्टर की कोर्ट पहुंचे माल्या ने दावा किया कि वो बैंकों का पैसा चुकाना चाहता था और इस बाबत उसने न केवल बैंकों के सामने प्रस्ताव रखा बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी बात की थी। People going after you about you being targeted or the fact that there could be charges against you. Is that the reason that you left the country? That's an allegation that's been made that you got tipped off. You're allowed to leave the country. I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left. Repeated my offer to settle with the banks. That's the truth. तो विजय माल्या ने अपने तर्कश से ऐसा तीर निकाल दिया है जो मोदी सरकार के गले की फांस बन सकता है। विजय माल्या ने आज दो टूक कहा कि वो कर्ज को चुकाना चाहता था और इस बाबत बैंक से सेटलमेंट की पेशकश भी की थी और बैंकों की आनाकानी करने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात भी की। एक बार फिर सुनिए माल्या ने क्या कहा। लेफ्ट बिकॉज आई हैड अ स्केड्यूल मीटिंग इन जिनेवा। आई मेट द फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर आई लेफ्ट। रिपीटेड माय ऑफर टू सेटल विद द बैंक्स। दैट्स द ट्रुथ। प्रत्यर्पण के मामले की चल रही सुनवाई के दौरान माल्या ने यह सनसनीखेज खुलासा किया। माल्या का यह कहना कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी कई सवाल खड़े करता है। मसलन, क्या विजय माल्या वास्तव में कर्ज चुकाना चाहता था और सरकार ने उसके प्रस्ताव पर गौर ही नहीं किया? क्या विजय माल्या इसलिए देश से भाग सका क्योंकि सरकार के आला मंत्री गंभीर नहीं थे? क्या विजय माल्या के देश छोड़ने के बाबत सरकार से जुड़े आला लोगों को जानकारी थी? दरअसल विजय माल्या खुद राज्यसभा सांसद रहते हुए देश से भागा और ऐसे में वित्त मंत्री से मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सवाल ये कि वो कर्ज चुकाना चाहता था या नहीं और क्या इस बाबत वाकई में उसने देश में रहते हुए कोई पेशकश की थी या नहीं। जाहिर है चुनावी मौसम में विजय माल्या के बयान ने सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है, जहां आज भारत के अधिकारियों ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में माल्या को रखने के लिए तैयार सेल का वीडियो पेश किया। हालांकि विजय माल्या ने अपने ऊपर लगाए सारे आरोप गलत बताए। I obviously don't agree with anything that the prosecution is alleging. विजय माल्या के दावे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी सामने आए, उन्होंने माल्या के दावे को झूठा बताया है। विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया, जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहाँ बैठा हूँ और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह के ब्लफ पहले भी करते रहे हैं और वापस पैसा करना ये उनकी कभी भी नियत नहीं थी, और इसलिए उनसे कोई कागज लिए बगैर इस एक वाक्य में उनको एक प्रकार से स्नब करके मैं आगे निकल गया। इसके अलावा मेरी पिछले 4-5 वर्षों में उनसे कभी बात नहीं हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजय माल्या के दावे को पूरी तरह से झूठा बता दिया। विवाद बढ़ा तो विजय माल्या से मीडिया ने फिर ताबड़तोड़ सवाल किए। उसके बाद विजय माल्या ने जेटली की सफाई को कटघरे में ही खड़ा कर दिया। माल्या ने यहां तक कहा कि उसने लंदन जाने के बारे में भी जेटली को जानकारी दी थी। I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London and that I want to settle with the banks and would he please facilitate discussions. I did not have any formal meeting scheduled with him. I met him often enough in Parliament, in the House and in Central Hall, and I have expressed to him my willingness to settle on many an occasion. विजय माल्या के सनसनीखेज आरोपों के बाद इस मुद्दे पर राजनीति तो होनी ही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने जांच की मांग करते हुए कई सवाल दागे तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां तक कह दिया कि विजय माल्या जब भाग रहा था तब किसी ने उसके लुकआउट नोटिस के स्टेटस को ही चेंज करवा दिया था। तो ये लूट जो हो रहा है, या आपके विजय माल्या साहब के अलावा आपके नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो या मेहुल चौकसी हो या बाकी जितने भी लोग अब जो लिए लूटे और फरार, ये बिना सरकार की जानकारी का नहीं हो सकता था, ये असंभव है। क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही और भी लोग लूट कर और भी लोग जो है मजे उड़ा रहे। सबसे बड़ा अपराध है कि इस बदमाश को, इस चोर को हम देश को छोड़कर जाने के लिए मौका दिया, और वो मैंने मेरे जांच के अनुसार वो है कि पहले एक ऑर्डर थी कि इसको बाहर नहीं जाने देना है, लेकिन उस ऑर्डर को फीका किया गया और कहा गया कि इस व्यक्ति बाहर जाएगा तो उसको रिपोर्ट करना है कि वो बाहर चले गया है। तो ये जो डाइल्यूशन हुई है, जो फीका हुआ है, ये किसने, किसके आदेश पर हुआ, ये हम लोग सबको जानना चाहिए। ये नाम सूची में थे, ये भी बात सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को, सारी एजेंसीज को, सीबीआई को और सीरियस फ्रॉड ऑफिस और रिजर्व बैंक को मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के बारे में भी मालूम था और ये जानकारी प्रधानमंत्री के पास थी। हमारी मांग है कि दोनों प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अपना स्पष्टीकरण दें। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप्पी रखकर बैठे हैं, क्या कारण है, प्रधानमंत्री क्यों अपनी सफाई नहीं दे रहे? राजनीति का तापमान माल्या के मामले को लेकर अभी बढ़ेगा ही। विजय माल्या समेत कई भगौड़े इस वक्त लंदन में हैं, लेकिन क्या वो कभी वापस आ पाएंगे? हमने इस बारे में विजय माल्या के पूर्व वकील से कुछ दिनों पहले यही सवाल किया था। उनका जवाब क्या मिला था, सुनवाते हैं आप। क्या मोदी सरकार को, नीरव मोदी, विजय माल्या को लाने में कभी भी सफलता मिल सकती है?
हमारे हिसाब से डिफिकल्ट है, हमारे हिसाब से डिफिकल्ट है अंडर द लॉ, बिकॉज द केस सो मेनी. इंडिया ने कितना एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग, खाली एक वापस हुआ, वो गोड्रा रायत में कोई किसी को था, नाम नहीं भूल गया, उसको एक्सट्रेडिट किया था, लेकिन उसको वो भी जजमेंट के पहला वॉलंटरी गया. विजय माल्या ने सरकार की परेशानी बढ़ाई है, इसमें शक नहीं, लेकिन एक परेशानी पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर रुपए के गिरने तक ने बढ़ा कर रखी हुई है. और इसी चिंता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके बाद मुमकिन है कि सरकार कोई अहम ऐलान करे. इस बीच दिल्ली मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में दखल से इनकार कर दिया है. उधर डॉलर के मुकाबले रुपया अब धीरे धीरे 75 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है. वसुंधरा 2.5 रुपए, चंद्रबाबू 2 रुपए, ममता 1 रुपया. धीरे धीरे ही सही कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है जितनी राहत दी जा रही है क्या उससे वास्तव में राहत मिलेगी. सच यह है कि 1 जनवरी 2016 की तुलना में पेट्रोल के दाम 20 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं. केंद्र ने साफ कर दिया है कि वो एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाएगा, यानी अब लोगों को राज्य सरकार पर ही निर्भर रहना होगा. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीतियों में दखल कैसे दे सकते हैं. वैसे सरकार के लिए मुश्किल का सबब पेट्रोल डीजल की कीमत है तो गिरता रुपया भी है. आज रुपया डॉलर के मुकाबले 72.91 रुपए के स्तर पर चला गया, और इस मामले में सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं. क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, तो डॉलर की मांग बढ़ रही है. तुर्की की मुद्रा लीरा में इस साल 41% की गिरावट हुई है, जिससे दूसरी मुद्राओं पर असर पड़ रहा है. बढ़ते रुपए से जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है जिससे महंगाई बढ़ेगी, वहीं विदेश घूमने से लेकर विदेश पढ़ना तक सब महंगा हो गया है. विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के माँ बाप खासतौर से परेशान है. जाहिर है विपक्ष के लिए रुपया पेट्रोल डीजल सब चुनावी मुद्दे हैं. प्रधानमंत्री जी ने 2010 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ देश के अंदर एक गुस्सा और एक धारणा बनाई कि ये सरकार के हाथ में होता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ होती हैं और डॉलर की कीमत कहाँ होती है. और जब वो खुद सरकार में हैं तो उनके धोखेबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो चुप हैं. अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, रुपया 73 पार कर गया है, डीजल पेट्रोल 86 पार कर गया है. पूरी तरह से इस मुल्क को 4.5 वर्ष में भाजपा एनडीए ने बर्बाद कर दिया है. धीरे धीरे विधानसभा चुनाव का महीना भी नजदीक आ रहा है और उसके बाद लोकसभा चुनाव. ऐसे में दिलचस्प होगा कि शनिवार को जो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें से निकलकर इन तमाम मुद्दों पर क्या आता है. आगे बढ़ते हुए बात चीन की कर लेते हैं, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. सीमा पर माहौल को सुधारने की बजाय वो बार बार भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के मुताबिक अगस्त के महीने में ही चीन ने 3 बार भारत में घुसपैठ की कोशिश की. भारत लगातार चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कई बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को पार करने की हिमाकत कर चुकी है. ITBP की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त 14 अगस्त और 15 अगस्त को चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ. ये घुसपैठ उत्तराखंड के बाराहोती में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक रिमखिम पोस्ट के पास करीब 3.5 किलोमीटर अंदर तक घुसाए. चाइना ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को भारत के जरिए कि हम सुपर पावर हैं. इसीलिए जो उत्तराखंड में बाराहोती में जो घुसने के अंदर कोशिश की 3 बार अगस्त में करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर आए थे, वो इस वजह से किए गए थे. और दूसरी चीज ऐसी कि चाइना ये इंडिया का सिर दबाकर रखना चाहता है. हालांकि ITBP के कड़े विरोध के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी हरकत पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले फरवरी और मार्च में पेंगोंग झील के पास भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी. दरअसल डोकलाम में भारत के कड़े रुख के बाद पीछे हटने को मजबूर चीन उसके बाद से लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है. उधर 19वें दिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपना अनशन खत्म किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन 18 दिनों में हार्दिक पटेल को हासिल क्या हुआ.
नारियल पानी पीकर हार्दिक पटेल ने 19वें दिन अपना अनशन खत्म किया। पाटीदार नेता सीके पटेल और नरेश पटेल ने हार्दिक का अनशन तोड़वा दिया। हार्दिक 25 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठे थे। अनशन के 14वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उन्हें 2 दिन रखा गया। लेकिन इसका असर न तो केंद्र पर पड़ा और न ही राज्य सरकार पर। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया। कल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अनशन तोड़ने को कहा और आज पटेल समुदाय के नेता अनशन तोड़वाने पहुंचे। सुनिए हार्दिक ने अनशन तोड़ने पर क्या कहा। जीवीसू तो लड़ीसू, लड़ीसू तो जीतीसू। અને આ મુદ્દા સાથે આજે બધા લોકોએ મને પાણા કરાવવા માટે આવ્યા છે। हार्दिक की मांग थी पाटीदारों को आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी, लेकिन उनकी दोनों ही मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हार्दिक का अनशन गुजरात में राजनीतिक मुद्दा बन गया। एसपी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, आपके अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के हरीश रावत जैसे नेताओं ने उन्हें समर्थन दिया, तो बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने भी मिलकर हार्दिक को समर्थन दिया। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दें, बात इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग इसी साल आखिर में 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को तलाश रहा है। दिसंबर तक 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेगा चुनाव आयोग। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम के साथ तेलंगाना के भी चुनाव होंगे। सभी राज्यों में एक चरण में चुनाव होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सभी राज्यों में एक चरण में होगा चुनाव, सिर्फ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कुछ नक्सल प्रभावित इलाके हैं जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से गन्ना छोड़कर सब्जियों की खेती करने के लिए कह दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या गन्ना किसानों को बकाया दे पाने में नाकाम चीनी मिलों पर सख्ती करने के बजाय योगी गन्ने की खेती को ही खत्म कर देना चाहते हैं। गन्ना के अलावा कुछ अन्य फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना आप लगा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है। तो ये है शुगर यानी डायबिटीज के इलाज का योगी फॉर्मूला। उनका कहना है कि न होगा गन्ना न बनेगी चीनी, तो फिर डायबिटीज की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन योगी की सलाह के पीछे दरअसल डायबिटीज की चिंता नहीं, बल्कि गन्ना किसानों का बढ़ता बकाया और उसकी वजह से सरकार के खिलाफ उनका बढ़ता गुस्सा है। शायद इसलिए योगी चाहते हैं कि न गन्ना किसान बचे न बकाए की समस्या खड़ी हो, लेकिन योगी के इस बयान ने गन्ना किसानों को और नाराज कर दिया है। योगी ने गन्ना किसानों को गन्ना छोड़कर सब्जी की खेती करने की सलाह दी, तो किसानों का सवाल है कि सब्जी की खेती में भी सही दाम कहाँ मिल रहे हैं। भाई गन्ना खाने से चोखने से वो कहें तो वो एक अलग बात है, बोने से कैसे डायबिटीज हो सकती है, ये तो मैं नहीं मान रहा उनकी बात। ये तो छोटे छोटे बच्चे गाय के हैं, वो छोड़ दें, कोई छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ते सब्जियों को, वो नहीं छोड़ते तो बोवे तो क्या बोवे। हम लोग तो बाकी तो सब्जी तो हम लोग आलू बोते थे, उसमें 2-3 साल से घाटा झेल रहे हैं, इस वजह से गन्ने की तरफ को बढ़े हैं कि भाई कर्ज में ना डूबे हम लोग। जो कर्ज हो गया वो तो हो गया, पर आगे तो ना डूबे कम से कम। गन्ना का रेट फिक्स है और इसकी लेने की जो है गवर्नमेंट के द्वारा बाध्यता है, गवर्नमेंट लेगी। सब्जियों का रेट कोई फिक्स नहीं है। जो भी लोग किसान गन्ना छोड़ के सब्जियों पर आए थे वो लोग ज्यादातर कर्ज में डूबे हुए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी में फिलहाल करीब 40 लाख गन्ना किसान हैं, जिनका 11,618 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। मुख्यमंत्री योगी ने चीनी मिल मालिकों को 15 अक्टूबर तक गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करने के लिए कहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक दिलचस्प खबर आपको देते हैं। अगर ट्रैफिक की रेड लाइट पर इंतजार करना आपको बोरिंग लगता है, तो आपको मिलवाते हैं भुवनेश्वर के एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले से जो अपने खास अंदाज में न सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं बल्कि लोगों का खूब मनोरंजन भी करते हैं। सड़क के बीचों बीच खड़ा ये कोई डांसर या एक्टर नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिसमैन है। गाड़ियों को रुकवाना हो
या ट्रैफिक को आगे बढ़ाना होगा। 33 साल के प्रताप चंद्र खंडवाल ये सब अनोखे स्टाइल में करते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मुंह में सीटी दबाए प्रताप चंद्र ऐसे ही ट्रैफिक मैनेज करने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन करते हैं, और इसीलिए ओडिशा पुलिस के इस होमगार्ड को भुवनेश्वर का डांसिंग ट्रैफिक कॉप कहा जाता है। प्रताप चंद्र को हर महीने 9000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी प्रताप चंद्र का जज्बा कम नहीं है। वैसे अब अपने अनूठे स्टाइल की वजह से प्रताप सोशल मीडिया स्टार जरूर बन रहे हैं। पानी से परेशानी, जी इसी पर हम आपको 10 कहानियां दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत वाराणसी से करते हैं। वाराणसी का जिक्र होता है तो गंगा जेहन में आती है, लेकिन पहले बात वरुणा नदी से, क्योंकि गंगा से ज्यादा वरुणा नदी ने वाराणसी के लोगों को परेशान कर रखा है। इस घर का आधा गेट डूब चुका है, बड़े मकानों की चार दीवारी तक पानी पहुंच चुका है, सड़कों का भी कोई अता पता नहीं, गलियां लबालब हैं। वरुणा के जलस्तर में बढ़ाव की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी आ चुका है। मैं मौजूद हूं हुकुलगंज में, आप देख सकते हैं कि यहां पे जो कई घर हैं वो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, गेट आधा डूबा हुआ है। दरअसल गंगा की सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे वरुणा के किनारे बसे वाराणसी के दर्जन भर मोहल्ले सरैया, कोनिया, जलालीपुरा, मडिया, नक्खी घाट, शैलपुत्री, सिधवा घाट, पुराना पुल, शक्कर तालाब और उचवा इलाकों में पानी भर गया है। ये हमारे ख्याल से 350-400 घर प्रभावित हैं बाढ़ से, पानी से, वरुणा नदी के। घरों में पानी भरने से लोग पलायन को मजबूर हैं, जरूरी सामान को वो घरों से निकाल रहे हैं, और इन घरों तक पहुंचने का नाव ही एकमात्र सहारा है। आप बिल्कुल सामने ये जो लोहे की रॉड्स देख रहे हैं, ये लोहे की रॉड नदी के किनारे लगा हुआ बैरिकेटिंग है, और उस बैरिकेटिंग के और अंदर नदी होती है, लेकिन इस वक्त जो पानी है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि गंगा नदी शांत बैठी है, गंगा नदी भी धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रही है। घाट घंटा घड़ियाल के शहर बनारस में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सामान्य दिनों पर पानी यहां से करीब 20 फीट दूर होता है, लेकिन अब बढ़े हुए जलस्तर ने वो दूरी भी हटा दी है। घाट के नजदीक की गलियों में भी पानी पहुंच चुका है। कल रात से अगर फीट में बात करें तो लगभग कितना फीट पानी बढ़ा? पानी तो रात तक मेरी समझ पार कर जाना चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ही कम रह गई है। वाराणसी के घाटों पर स्थित सीढ़ियों पर पानी आ गया है, साथ ही कुछ घाटों पर नीचे की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी पानी आ चुका है। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.26 मीटर है, जबकि मंगलवार दोपहर 2 बजे तक जलस्तर 69.89 मीटर पहुँच चुका है। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से उफान पर है और खतरे के निशान को छूने को आतुर हैं। मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, और आप देख सकते हैं कि वाराणसी के सभी 84 घाट जो आपस में सीढ़ियों से इंटरकनेक्टेड हैं, उन सभी सीढ़ियों के ऊपर तक पानी आ चुका है। मैं ललिता घाट पर मौजूद हूँ, और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये जो इमारत है, इसका दरवाज़ा आधे के आसपास पानी में डूबा हुआ है। वाराणसी में बाढ़ की वजह से शवों के अंतिम संस्कार में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। जिस मणिकर्णिका और हरीशचंद घाट पर अंतिम संस्कार करना होता था, उस जगह पे पानी भरा हुआ है, और लोग सरकार के तरफ से बनाए गए जो शवदाह गृह हैं वहाँ पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये मणिकर्णिका घाट है, और नीचे की तरफ ये जो जगह है, नीचे की तरफ वो घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ 20 फीट से ज़्यादा पानी है, और इसी वजह से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आम दिनों में मणिकर्णिका घाट पर 20 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ हो जाता है, लेकिन घाट डूबने से अब काफी दिक्कत हो रही है। 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये पूरी लाइन लगी हुई है। इस समय होगी कम से कम यहाँ 20 बॉडी होगी उस समय, समझ लीजिए। वाराणसी का मशहूर 80 घाट भी डूब गया है, सीढ़ियां तो देखे नहीं रही। वाराणसी की पहचान 80 घाट की आधे से ज्यादा सीढ़ियां नजर ही नहीं आ रही है। जिस जगह पर सुबह बनारस कार्यक्रम और गंगा आरती होती थी, वो जगह पूरी तरह से
गंगा की गोद में समा चुकी है। मैं मौजूद हूँ 80 घाट पे और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि 80 घाट पे ये जो सामने सुबह बनारस की जगह दिख रही है, सुबह बनारस अभी दो दिन पहले तक इसके बिल्कुल फ्लोर तक पानी था, लेकिन आज लगभग आधा जो सुबह बनारस का हिस्सा है वो डूब चुका है। सिर्फ घाट ही नहीं, जिस रास्ते से घाट पर जाया जाता है वहाँ तक भी पानी पहुँच चुका है। पूजा पाठ के लिए जो चौकियाँ घाट किनारे लगाई जाती थी वो गलियों में आ चुकी है और पानी लगातार बढ़ ही रहा है। 24 घंटे में तो मतलब रात में तो इधर पानी था, अभी तो फिलहाल वहाँ पे तक चला गया है पानी, दो फीट पानी बढ़ा हुआ है, अभी भी पानी बढ़ाव पर है। वाराणसी में गंगा नदी इलाहाबाद के रास्ते ही पहुंचती है, इलाहाबाद में भी निचले इलाके डूब गए हैं। गली में मोटरसाइकिल की जगह छोटी नाव ने ले ली है। विकराल रूप धरे गंगा नदी घर के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है। किनारे बने घरों में तो गंगा नदी ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं, जहां गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से शहर के दारागंज, सलोरी, बघाड़ा, तेलियरगंज, राजापुर, झूसी और करेली के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ तो निरंतर बढ़ती रही है और पानी का भी स्तर बढ़ रहा है, कितने मकानों में जो है पानी कंटिन्यू घुस रहा है। बिहार लेकर चलते हैं आपको, जहां के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहां पर सारण के छपरा में तो बुरा हाल है। हैंडपाइप डूब गए तो पीने के पानी का संकट हो गया, घरों में पानी घुस गया तो सोने से भी डर लगता है, और खेत डूब गए तो आगे अनाज का भी संकट मंडराने लगा है। और ऐसे में बिहार के सारण जिले में छपरा के लोग क्या करें, घुटने तक पानी में चलना इनकी मजबूरी हो चली है। सब पूरा सब्जी डूब गया है, लौका नेनुआ का बोए थे पूरा, हमारा पेड़ भी सब गुजर गया है, पानी का दिक्कत भी हो गया है, नीचे मोटर लगाए हैं, डूब गया था खोल लिए। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार मवेशियों पर पड़ी है, इंसान तो सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं लेकिन बेजुबान जानवर कुछ नहीं कर पाते। गया जिले में तो एक गाँव ऐसा है जहाँ पर बाढ़ के पानी ने गाँव के लोगों को बंधक बना लिया है। बच्चों को स्कूल तो जाना है लेकिन शर्त इस दरिया को पार करने की है। कोई बीमार है, अस्पताल ले जाना है, ले जाइए, लेकिन घुटने तक पानी को पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यह दरिया मुंहबाए खड़ा रहता है। तस्वीरें गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले रसूलागंज गांव की है। बारिश के बाद हर साल गांव में नदी का पानी घुस आता है, उसे पार करने का कोई रास्ता है नहीं। जहां दरिया की चौड़ाई कम है वहां ऐसे चचरी का पुल बनाकर रास्ता पार किया जाता है, लेकिन जहां चौड़ाई ज्यादा है वहां घुटने तक पानी में चलना ही पड़ता है। आने जाने पढ़ने में बहुत कठिनाई पड़ती है सर, हम लोग का बुखार जब तबीयत खराब होता है तो आने जाने में बहुत कठिनाई पड़ती है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ का पानी लोगों को डरा रहा है। लहरों का ये शोर अब सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रह गया, इसकी गूंज लोगों के घरों तक सुनाई देने लगी है, क्योंकि असम के चिरांग में माकरा नदी ने घरों को भी अपने आगोश में ले लिया है और अब लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। भूटान से आने वाली माकरा नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि यहां लगातार कटान हो रहा है। चिरांग जिले के कई गाँव चपेट में है तो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। रास्ते में दोनों तरफ लोग फंस गए हैं, जिनमें कई पर्यटक भी हैं। फिलहाल जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो एक बोट ही डूब गई, गनीमत इस बात की रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और देखते देखते एक बड़ी बोट हुगली नदी में समाने लगती है, बगल में एक छोटी नाव भी, जिससे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर जिले की है। इस बड़ी बोट के जरिए दक्षिण 24 परगना से फ्लाई एश बांग्लादेश ले जाई जा रही थी कि गोएखली के पास ये बोट में दूसरी नाव से टकरा जाती है, जिससे बोट का एक हिस्सा टूट जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। नाव पर सवार 11 क्रू मेंबर को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन नाव डूब गई, उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। नाव के डूबने से उसमें भरा तेल पानी में मिल गया, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, यूपी के बलिया में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह सिस्टम का सुस्त होना है।
यूपी के बलिया की ये तस्वीर सरकारी सिस्टम की पोल खोलती है, जो कि बैरिया तहसील क्षेत्र दुबे छपरा में 29 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध टूटने लगा है। गंगा नदी का पानी उसे बहा ले जा रहा है। इसके टूट जाने पर इलाके में बाढ़ आने का खतरा है, तो मौके की नजाकत को समझते हुए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और जोड़ तोड़ करने लगी। स्थानीय लोगों की माने तो इस रिंग बांध को बनाने में लापरवाही की गई है, इसलिए गंगा के थोड़े से दबाव के चलते रिंग बांध बैठ गया। प्रशासन बांध को कटने से बचाने के लिए बालू भरी बोरियां और पेड़ की डाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आगे और रिंग बांध कटने से बचाया जा सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।